शुरू हुई है, इसकी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो हम प्रदेश भर में और देश भर में जो पतंजलि के प्रतिष्ठान हैं उनके बाहर जाकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जो इन्होंने अपना झूठ का साम्राज्य फैला रखा है उसको बंद कराने का काम करेंगे और उनके प्रतिष्ठान नहीं खुलने देंगे। ये युवा कांग्रेस के लोगों की प्रतिज्ञा है। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि अभी भी समय बचा है। रामदेव जो हाँ रामदेव योग के मामले में उन्होंने काम किया, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन वो आयुर्वेद और एलोपैथी का झगड़ा कहाँ से करवा दिया भैया? उनके पास तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर की डिग्री तक नहीं है, तो क्या आयुर्वेद की ठेकेदारी उनके पास है इस देश में? मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऐसे भ्रम फैलाने की बातें ना करें और अभी भी समय है वो माफी मांग ले, या फिर अभी भी समय है हमारे देश। ये सीधा सीधा हम इस बात पे कहना चाहते हैं कि मोदी के कहने पर दिया गया बयान है, क्योंकि जो सरकार ने जिस प्रकार से पूरा काम किया इस कोरोना काल में और जो मृत्यु हुई है, जो हत्याएं हुई हैं एक प्रकार से, और वो जो लाशों का ढेर मिल रहा है उससे किसी तरह से ध्यान भटकाया जाए, और वो जो आरोप मोदी सरकार पे लग रहे हैं कि उनकी लापरवाही के कारण ये सब मौतें हुई हैं देश के अंदर, तो उसके जो तीर है वो अब किसी तरह से डॉक्टरों के ऊपर उनका ठीकरा फोड़ने का काम सरकार कर रही है और माध्यम उसमें रामदेव को बनाया जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है ये पूरा केंद्र सरकार ने करवाया है और सारा ठीकरा जितना भी कोरोना काल में जितने भी नाकामी है वो किसी तरह से डॉक्टरों के सर पे फोड़ करके अपने आप को बचाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज आप पतंजलि पे धरना देने आए, क्या है मामला? आज जो पतंजलि पे धरना दिया जा रहा है ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि शिकंडी है, चोर है और महा झूठा है, उसके खिलाफ ये धरना आज जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है, दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए, लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ साथ हैं पर बाबा रामदेव इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। जो ये इसने शिखंड रचा है, जो इसने साजिश रची है इस जनता को गुमराह करने की, जनता को एक डेढ़ महीने इस टॉपिक से भटकाने की, ये एक मिली जुली इनकी साजिश है सरकार की और रामदेव की कि मैं डॉक्टरों के खिलाफ बोलूंगा। एक डेढ़ महीने तक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पिकाऊ मीडिया वो दिखाती रहेगी, और जो है टीकाकरण पे, राहत सामग्री पे, लोगों की मदद पे, लोगों की मौतों पे, जो लोगों की मौतें हो रही है उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो एक सोचा समझा साजिश है। इस देश की जनता का ये जो है अनादर है जो लाला रामदेव कर रहे हैं, आज इसको युवा कांग्रेस सबक सिखाना ही है। आज हम सांकेतिक रूप से आए हैं, अगर ये पूर्ण रूप से माफी नहीं मांगता और अपनी ये डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप बंद नहीं करता तो इसके खिलाफ जो है हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, इसके जितने स्टोर हैं उनके बाहर जाके विरोध करने का काम करेंगे और इसकी जालसाजी का हम जो है पर्दाफाश करेंगे। इसकी आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि रामदेव तो कह रहे हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। देखिए, इन्होंने जो भी ये स्टेटमेंट दिया है ये बड़ा ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, और कहने का मतलब ये है आज हमारा यूथ कांग्रेस का जो धरना है उसका जो मकसद है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति इस जगह पे हो जहाँ उसके इतने फॉलोअर्स हो और उसकी एक स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हो, प्रभावित हो सकते हो, तो उन्हें तो उन्हें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से समाज में एक नेगेटिव मैसेज चला जाए, लोगों का मनोबल टूट जाए। और आज जो डॉक्टर्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, इंसान अपने भाई के लिए खड़ा होना मुश्किल है आज की डेट में, परिवार के सदस्य का इलाज कराना इतना मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी पीपी किट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरीके से पीपी किट पहन के, हाथ में इंजेक्शन और दवाई लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जानें बचा रहे हैं। और आप सिर्फ अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सुपीरियर ठहराने के लिए डॉक्टर्स को आप नीचा दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर आप ऐसी उंगली उठा रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और आज इन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अपना बयान वापस लेना चाहिए, और सबके सामने आकर के जो भी इन्होंने ये एक नेगेटिव मैसेज समाज में दिया है जिससे कि डॉक्टर्स का मनोबल आज डाउन हो रहा है, उसको ठीक करने का काम और डैमेज कंट्रोल का काम रामदेव को ही करना चाहिए, वरना सरकार को आगे आके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, ये धरना चल रहा है बाबा के खिलाफ, आगे क्या लड़ाई होगी?
देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मुद्दे पर मैं यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर जी को, रवि बहादुर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इनको बधाई देना चाहता हूं कि आज ऐसे कोरोना की महामारी के दौर में जो एक साजिश भारत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर एक व्यापारी, मैं तो रामदेव जी को संत नहीं मानता हूँ, जैसा कि हमारे साथी कहते हो लाला रामदेव है, बाबा रामदेव नहीं है, एक व्यापारी द्वारा जो एक माहौल देश के अंदर खराब करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए, तो ये इसके लिए मैं युवा कांग्रेस को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। साथ दोस्तों, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत सोची समझी साजिश है, मैं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश देख रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें रामदेव जी वीडियो में कह रहे थे किसके बाप में हिम्मत है जो मुझे गिरफ्तार कर ले। दिल्ली के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री के अंदर में होती है, सेंटर के गृह मंत्री अमित शाह के पिताजी में रामदेव को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा शब्द बोलने की हिम्मत रामदेव में कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। और रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो देश का सबसे बड़ा संगठन है उसके खिलाफ खुल के मोर्चा खोलने के बाद आज तक उसके पीछे कार्रवाई नहीं हो रही है। आप एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दो, पुलिस अगले दिन आपको अरेस्ट कर लेती है, साइबर सेल में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। एक आदमी पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है ऐसी कोरोना महामारी में, जहां लोगों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। आज हमारे देश का डॉक्टर, चाहे बड़ा डॉक्टर है चाहे छोटा डॉक्टर है, तमाम डॉक्टर लोगों की जीवन बचाने में लगे हुए हैं। आप गांव में जो एक छोटी सी दुकान खोल के बैठा है वो भी लोगों का जीवन बचाने के लिए कर रहा है। हमें इन लोगों का हौसला अफजाई करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए, उल्टा रामदेव उनका मनोबल गिराकर उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस ने कदम उठाया, पूरा प्रदेश का युवा, देश का युवा, हरिद्वार का युवा इस यूथ कांग्रेस के आदेश पर जब कहेगा रामदेव का, जैसे कहेगा उसका विरोध हम करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इसमें, साथ साथ एक चीज और मुझे लग रही है, रामदेव को तो एक व्यापारी है, हम जहां बैठे हैं उसका व्यापारिक अनुष्ठान है ये, उसके जो पीछे रिसर्च सेंटर है वो खुद में मेडिकल एसोसिएशन में, मुझे लगता है कि उसका आयुर्वेद के नाम पर जो ढकोसा चल रहा था लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उसका कोरोनिल फेल हो गया, उस चिड़ में क्योंकि उसे लग रहा है कि एलोपैथी डॉक्टर जो वो ज्यादा कमा रहे हैं, तुझे मौका नहीं मिल रहा है, तो वो चिड़ में इस तरह का बयान दे रहा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इशारा उसके पीछे है। अगर प्रधानमंत्री आज डॉक्टरों की इज्जत करते हैं, फ्रंट जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनका सम्मान करते हैं, तो उनके सम्मान के लिए रामदेव को 24 घंटे के अंदर अविलंब गिरफ्तार करके से जेल भेजने का काम करें, तो हम उन पर विश्वास करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस साजिश के पीछे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देना पड़ रहा है, क्या कारण है और क्या? देखिए, आप सब लोग जानते हैं पिछले एक साल से ज्यादा समय हो गया है देश में कोरोना की दूसरी वेव इस समय चल रही है। हमारे हजारों मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, वो उनको उनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना के खिलाफ जंग में। परंतु हमारे संवेदनहीन ये रामदेव जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को, और इन्होंने बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे देश की जनता आहत हुई है। हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। देखिए, ये कोरोना का दौर है इस समय, इसलिए हमने युवा कांग्रेस हरिद्वार और सब साथियों ने मिलकर के सांकेतिक प्रदर्शन आज रखा है, तो ये इस लड़ाई का अंत नहीं है, ये इस लड़ाई की शुरुआत है। और हम चुनौती देना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगर जल्दी ही इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने माफी नहीं मांगी, तो बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित होकर युवा कांग्रेस के साथी पुनः यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे और प्रदेश भर में रामदेव की पोल खोलने का काम करेंगे देश भर में, क्योंकि जो रामदेव है ये लगातार झूठ बोल बोलकर देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और दुख तो तब होता है जब मौके की सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त हो झूठ बोलने में, तो इसलिए इस झूठ को उजागर करेंगे और हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे।